अमेरिका से कोई देश आगे निकल जाए ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1958 में स्टार्ट हुआ स्पेस वार बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। इस रेस के चलते रशिया के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। इस इंसिडेंट से अमेरिका इतना ज्यादा जले कि उस समय आके उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंसानों को अंतरिक्ष में नहीं वैसे सीधा चांद पे भेजेंगे। एंड आगे जाके उन्होंने ऐसा किया भी। साल था 1969 जब अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के सरफेस में पहली बार अपना कदम रखा। बट मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी हमेशा ही रशिया के यूरी गगारिन का शुक्रिया गुजार रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जान का फिक्र करे बिना स्पेस प्रोग्राम के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। आज यानी 9 मार्च को यूरी गगारिन के जन्मदिन के अवसर में चलिए जानते हैं सिर्फ यूरी गगारिन को ही क्यों इस स्पेस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए रशिया एंड अमेरिका दोनों ही वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी से साइंटिस्टों को पकड़ के ले आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन साइंटिस्टों ने ही हिटलर के लिए V2 रॉकेट बनाया था। ये रॉकेट इतने पावरफुल थे कि इनमें से कुछ रॉकेट टारगेट मिस करते हुए सीधे अंतरिक्ष की तरफ चले गए। V2 रॉकेट के टेक्नोलॉजी को यूज करके ही रशिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट स्पुटनिक को बनाया, जो कि सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च हुआ। इसके कुछ महीने बाद रशिया ने स्पुटनिक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस सैटेलाइट के थ्रू पहली बार किसी जिंदा चीज को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में लाइका नाम का डॉग मौजूद था। दूसरी तरफ अमेरिका अभी भी सैटेलाइट बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन रशिया के लिए अब टाइम था किसी इंसान को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने का। इसलिए रशियन एयरफोर्स से टोटल 154 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। बट इस मिशन के लिए कैंडिडेट्स का हाइट 5.7 फीट एंड वेट 70 केजी से कम होना चाहिए था। एट लास्ट काफी टेस्ट के बाद 154 कैंडिडेट्स में सिर्फ 2 को चुना गया, यूरी गगारिन एंड जर्मन टिटोव। सभी कैंडिडेट्स में यूरी गगारिन का हाइट सबसे कम था, लगभग 5.2। इसलिए इस मिशन के लिए फर्स्ट चॉइस बने यूरी गगारिन। जब यूरी गगारिन इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुए तब वे सिर्फ 25 साल के ही थे। 27 साल के उम्र में जब उन्होंने इस मिशन को कम्प्लीट किया तब वो पूरे दुनिया के नेशनल हीरो बन चुके थे। तो कॉमेट में दुनिया के फर्स्ट स्पेसमैन यूरी गगारिन को बधाई जरूर करना। बाय।